हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं? तो देखो, आज का डेट था कि नीट का क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, वो फाइनल डेट आ जाएगा। लेकिन आज भी नीट का फाइनल डेट नहीं आया, लेकिन कुछ अपडेट आए हैं, वो हम आपको बता दें। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनका क्या मोटो है, नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे, या 26 जुलाई को। सारी बातें विथ रीज़न हम बात करेंगे। तो देखो, अब आ जाते हैं। तो देखो, ये जो अभी अपडेट आया था, सीबीएसई, जेई मेन, आईसीएसई एंड नीट 2020 लेटेस्ट अपडेट, सीबीएसई, आईसीएसई एग्जाम क्या रिमेनिंग एग्जाम कैंसिल्ड। तो इन्होंने ये चीज तो कैंसिल हो गया। अब इस चीज को आप देखो, तो देखो यार, 2 PM से हम बात करते हैं। 2 PM में क्या था, एग्जाम फॉर द 10th एंड 12th शेड्यूल फॉर द जुलाई 1 to 15 हैव बीन कैंसिल्ड, सीबीएसई टोल्ड सुप्रीम कोर्ट टूडे। आज सुप्रीम कोर्ट को बताया। अब देखिए 2:30 पे क्या है, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट इट टुक्स डिसीजन एज मेनी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस इनएबिलिटी इन कंडक्टिंग द एग्जाम्स एंड मेनी स्कूल्स हैव बीन कन्वर्टेड इन टू क्वारंटाइन सेंटर, में कन्वर्ट हो गया। आगे देखिए क्या है, 2:30 to 2:35 PM पे एग्जाम डेट फॉर द सीबीएसई 12th स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक द टेस्ट विल बी डन व्हेन द एटमॉस्फेयर विल बी कन्वे। यहां पर क्या है, इन्होंने क्या है, 10th का तो एग्जाम कैंसिल कर दिया, लेकिन क्या है, 12th के साथ ऑप्शन दिया है, आइदर आप एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं। जो एग्जाम नहीं देना चाहते उनका 15 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, और जो देना चाहते हैं उनके लिए क्या है, डेट अनाउंस होगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए 2:37 पे आप देखिए, सीबीएसई रिजल्ट 2020 डिटेल्स ऑफ असेसमेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु डू नॉट वांट टू अपीयर फॉर द टेस्ट विल बी पब्लिश्ड जुलाई 15। जो एग्जाम नहीं देने जाते हैं उनका क्या, 15 जुलाई को रिजल्ट आया। अब देखिए 2:39 पे क्या है, स्कीम has been formulated for the assessment of the class 12th student on the basis of last exam center told supreme court। आगे 2:40 पे देखिए, वी विल फॉलो द सेम पैटर्न एज प्रपोज बाय द सीबीएसई। ये कौन कह रहा है, आईसीएसई बोर्ड बोल रहा है, ठीक है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। आगे देखिए 2:43 पे, आईसीएसई बोर्ड सेड इट एग्रीज टू द स्कीम प्रपोज बाय द सीबीएसई एंड इज रेडी टू फॉलो द सेम स्कीम एज फॉलोड बाय द सीबीएसई। आगे देखिए 2:45 पे, सीबीएसई विल इश्यू द फ्रेश ऑर्डर टू क्वेश्चन इट्स अर्लियर डिसीजन टू कंडक्ट रिमेनिंग एग्जाम फ्रॉम जुलाई 1 ऑनवर्ड। आगे देखिए, इसका जो मेन हाईलाइट है वो देखिए आप, सीबीएसई 10th एंड 12th रिमेनिंग एग्जाम कैंसल्ड। तो 10th तो कैंसल्ड, 12th के साथ हमने आपको बता दिया, दो ऑप्शन है, आप एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये तो क्या था, सीबीएसई का अपडेट था। अब देखो इन्होंने क्या है, आज के दिन नीट का अपडेट नहीं दिया, नीट का फाइनल डेट नहीं दिया, अभी भी ये टाइम ले रहे हैं, अभी भी बातें चल रही हैं कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब सिनेरियो क्या है, कंडीशन क्या है पूरे इंडिया का, उस बेसिस पे बात करें, और वहां से आपको पता चलेगा कि नीट का डेट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्लियर। तो आप देख लो, तो देखो एक न्यूज ये है, क्या है, बंगाल एक्सटेंड्स लॉकडाउन कर्व्स टिल जुलाई 31st आफ्टर ऑल पार्टी मीटिंग। सारे पार्टी मीटिंग के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि 31st जुलाई तक बंगाल में लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपका नीट का एग्जाम क्या था, 26 जुलाई, अब जो बंगाल के लोग हैं वो कैसे नीट का एग्जाम देंगे, क्लियर। ये बात देखिए, अब यहां पर तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बोला था, जब 3 मई को था नीट का एग्जाम, तो वहां से फिर आगे जाकर के एक्सटेंड हुआ 26 जुलाई को, वहां पर भी मैंने आपको बताया था, ये देखो क्या होगा कि नीट का एग्जाम है, आपको सेंटर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। तो वही कंडीशन देखो यहां पर क्या आ रहा, कोलकाता बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन बिजनेस डे एक्सटेंडेड द लॉकडाउन इन द स्टेट फॉर द मंथ टिल जुलाई 31st। अब इसमें देखिए, फॉलोइंग एन ऑल पार्टी मीटिंग called here to deliberate on the spread of the COVID pandemic, the current lockdown was to end on June 30। अब देखिए क्या है, सुबर्मन ट्रेन एंड मेट्रो सर्विस विल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन। अब जो बंगाल के लोग हैं वो ऐसा तो नहीं कि यहां से निकले,
कुछ लोग का ऐसा होगा कि क्या है जहां पर सेंटर है वहीं पर क्या है, लेकिन जरूरी तो नहीं जिन्होंने क्या है अपना नीट का एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो ऐसा तो नहीं कि एकदम नियर बाई उनको मिलेगा, तो उन्हें भी क्या है ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा कहां सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो वहां मेट्रो का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन क्या है देखिए, मेट्रो सर्विस विल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, क्लियर। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होने की, क्लियर, लेकिन डेट फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ। एक बात और आपको ध्यान रखना है, कैंसिल नहीं होगा। हर वीडियो में जब मैं आपको अपडेट देता हूं तो ये बात आपको बताता हूं कि नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, आपको एग्जाम देना है तो प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। आगे देखिए, अब देखो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, ये देखिए अगला अपडेट आप देखिए क्या है, कोरोना वायरस लाइव अपडेट, रेगुलर ट्रेन सर्विस कैंसिल टिल अगस्त 12 सेज रेलवे। अब क्या है, मान लीजिए कुछ ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पर क्या है नीट का सेंटर नहीं होता, उन्हें दूसरे सिटी में जाना होता है, तो अप टू द 100 टू 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो उन्हें ट्रेन का रिक्वायरमेंट होगा। अब ये क्या है 12 अगस्त तक कैंसिल है, तो अब आपका नीट क्या है 26 जुलाई को, तो फिर क्या होगा, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। ये भी कंडीशन आपको बता रहा है कि देयर इज अ चांसेस टू पोस्टपोन्ड नीट, क्लियर। आगे देखिए, अब यहां पर फिर से देखो कंटिन्यूअसली क्या है कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए फिर क्या लिखा है, हाईएस्ट ओवर डेली जंप ऑफ 16,900 क्या 22, इससे पहले क्या था 14,000। अब देखिए क्या है केस पुश्ड इंडिया टैली टू द, अब टोटल कितना हो गया 4,73,105 टुडे आज का है द डेथ। अब देखिए कितना 14,894, ठीक है, अब न्यूज में कितने आए 418, ये चीज था आज का अपडेट है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा कंडीशन आपको ये बता रहे हैं देर इज अ चांसेस, ठीक है, मतलब क्या है मैक्सिमम चांसेस टू कैन सॉरी पोस्टपोन्ड नीट, देर इज अ नो चांसेस टू कैंसिल नीट, ठीक है, बिकॉज इफ देर इज अ कैंसिलेशन ऑफ नीट देर इज अ लॉस ऑफ डॉक्टर, तो ऐसा कभी नहीं होगा, नेशन कभी नहीं चाहेगा टू लॉस द डॉक्टर, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन नेशन में क्या है डॉक्टर्स की कमी है, तो नीट तो कभी कैंसिल होने का नहीं, आपको एग्जाम देना है, तो प्लीज स्टूडेंट अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप देखें इधर उधर क्या है अपडेट पे मत जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और एक चीज लास्ट हम आपको ये बताएंगे कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर एंड मोर अपडेट, क्लियर। और अब क्या है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 स्टडी कंटिन्यू रखें, अपने पढ़ाई में डिस्टरबेंस ना करें, इन चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि और लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अगर क्योंकि आपका मिनट मिनट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लैग करेंगे बिल्कुल रैंक से दूर चले जाएंगे, कॉलेजेस मिलने में आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आएगी, सो प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी, ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडी, थैंक यू।